जय तुलसी फाउंडेशन, तेरा पंथ धर्म संघ का सर्वोच्च लोक कल्याणकारी ट्रस्ट, गुरुदेव श्री तुलसी की सधार्मिक वात्सल्यता की परिकल्पना। तेरा पंथ धर्म संघ के 9वें आचार्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने मानव जाति के आध्यात्मिक एवं लौकिक कल्याण के लिए अनेक आयाम दिए। अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, युवा शक्ति विकास, महिला जागरण एवं उत्थान, समण श्रेणी, उपासक श्रेणी, ज्ञानशाला एवं जैन विद्या जैसे संघीय तथा मानवीय उपक्रम धर्म संघ को प्राप्त हुए। उन्हीं आयामों में से एक है जय तुलसी फाउंडेशन। उनके शासन काल में तेरा पंथ धर्म संघ की अभूतपूर्व प्रगति हुई। आत्म कल्याण करना उनका मूल उद्देश्य था। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण को भी उपयोगी माना। उन्होंने पाया कि समाज में ऐसे भी परिवार हैं जो बहुत अधिक शक्ति संपन्न हैं, लेकिन समाज में ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी दैनिक आर्थिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उनका सपना था कि तेरा पंथ धर्म संघ शक्ति संपन्न बने। उनके हृदय में सदैव यह पीड़ा थी कि तेरा पंथ धर्म संघ में कोई भी सहधर्मी भाई या बहन अर्थाभाव के कारण रोजमर्रा की जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित न रहे। साधार्मिक वात्सल्यता की भावना समाज में जगाने के उद्देश्य से गुरुदेव श्री तुलसी एवं करुणा के सागर आचार्य महाप्रज्ञ ने नई प्रेरणा दी। समाज के कुछ उदार मना महानुभावों ने उनकी इस परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए का अनुदान देकर इस योजना का एक स्थायी कोष निर्मित कर इस कार्य में सहभागी बने। परिणामतः 15 मई 1996 को जय तुलसी फाउंडेशन की स्थापना हुई। समाज के अभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए मुख्य रूप से निम्न योजनाओं की घोषणा फाउंडेशन के द्वारा की गई। पारिवारिक संपोषण सहायता, सघन चिकित्सा सहायता, आपातकालीन सहायता एवं नैतिक उत्थान को वरीयता देने स्वरूप अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करना। आपने कभी सुना किसी व्यक्ति ने घोषणा की हो कि हमारा संकल्प है कि समूचे समाज में, तेरा पंथ समाज में कोई व्यक्ति अशिक्षित न रहे, अचिकित्सित न रहे और जीविका से वंचित न रहे? सुना किसी ने? ये घोषणा किसने की है? फाउंडेशन ने की है। ये घोषणा समाज के व्यक्तियों ने की है। इस घोषणा से लोग बड़े प्रसन्न हैं। ऐसी घोषणा के साथ में जनता झूम उठेगी, हर व्यक्ति सहयोगी बनेगा, हर व्यक्ति साथ जुड़ेगा। अहम प्रथमिका, अहम पूर्विका, वो कहता मैं पहले, वो कहता मैं पहले, आगे काम करेगा। स्थापना काल 1996 से 2008, 12 वर्ष तक तेरा पंथ विकास परिषद के सम्माननीय सदस्य शासन सेवी श्री बनेचंद मालू ने संस्थान के प्रारंभिक गतिविधियों को संचालित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई एवं फाउंडेशन को अपना सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। तो ऐसे पावन ट्रस्ट का कार्यभार गुरुदेव की दृष्टि से शुरू से 12 वर्ष तक मैंने संभाला, मेरी क्षमता के अनुसार काम किया। उन्होंने अपने वित्तीय प्रबंधन कौशल से फाउंडेशन के अक्षय कोष में सराहनीय अभिवृद्धि की। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अनुकंपा से वर्ष 2008 में प्रबंध न्यासी का दायित्व भार युवा गौरव श्री सुरेंद्र कुमार दुगड़ को सौंपा गया। पूज्य प्रवर की असीम अनुकंपा से फाउंडेशन का ये दायित्व मेरे कंधों पर आया है। आचार्य श्री द्वारा संप्रेषित ऊर्जा के आधार पर मैं निष्ठा के साथ इस ईमानदारी का निर्वहन करूंगा एवं श्री मालू जी के कार्यों को और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। संस्थान के प्रबंध न्यासी श्री सुरेंद्र कुमार दुगड़ के सक्षम नेतृत्व में फाउंडेशन की गतिविधियों का काफी विकास हुआ। इन वर्षों में समाज के अनेक जो पीड़ित लोग थे उनकी पीड़ा को दूर करने में काफी सहयोग मिला। चाहे कैंसर की चिकित्सा करानी थी, चाहे किडनी की, चाहे कोई भी बड़ी चिकित्सा करानी थी, और शिक्षा में भी बड़ा योग मिला, आपातकाल में भी बड़ा योग दिया,
और संपोषण को भी बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ। लोग शायद संपोषण को पूरा समझ नहीं पाए होंगे कि तेरापन समाज में जय तुलसी फाउंडेशन की व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति असमर्थता के कारण भूखा नहीं रह सकता, उसकी जितनी मासिक आवश्यकता है घर पे थे पहुंच जाएगी, पता दूसरे को पता ही नहीं चलेगा, सभा का माध्यम रहता पता नहीं चलता किसी को, और उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। इस संगठन की जब बनी थी उस समय ये कल्पना थी कि इसके 100 ट्रस्टी बने, तो मैं चाहूंगा यहाँ बैठे सदस्यों में बहुत जने भी इसके ट्रस्टी बन सकते हैं, और ट्रस्टी बनने का इसका दरवाज़ा बंद नहीं है। मैं आप सबको जो भी बनना चाहते हैं इसकी ट्रस्टी बने, इसका मैं आमंत्रण आप लोग सबको दे रहा हूँ। मुझे वो क्षण याद है, डाटगढ़ से बिहार करके आचार्य महाप्रज्ञ जी बरार पधारे, और बरार में पहली हमारी कार्यकारिणी मीटिंग महासभा में हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री जसकंद जी चोपड़ा के साथ में शुरू हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद एक बहुत अच्छी मार्मिक बात आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाई, एक संदेश हम लोगों को दिया कि श्रावक समाज की देख रेख सार संभाल करना प्रमुख दायित्व है, और उन्होंने एक हम लोगों को जो संदेश दिया वो इस प्रकार था, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, किसी बड़े संघ का सदस्य हूं, मेरा दायित्व संघ के प्रति है और संघ का दायित्व भी मेरे प्रति है। इस बात को 2 साल तक हम लोगों ने पूरे श्रावक समाज में प्रसारित किया, प्रचारित किया, और उनको बताया आप अकेले नहीं हैं। उसी अकेले श्रावक की सार संभाल के लिए चिंता की रही थी गणाधिपति गुरुदेव तुलसी ने 20 और 21 साल पहले एक संस्था की स्थापना जय तुलसी फाउंडेशन की आचार्य पर्व के हाथों हुई। मैं आज यहां पर श्रावक समाज को संबोधन करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, वो अनुभव आपको बताने के लिए आया हूं। आचार्य पर्व को बताना मैं सेवा में बता सकता हूं, परंतु इस संवत्सरण में इस सान्निध्य में आचार्य परवर को बता रहा हूं कि श्रावक समाज जो अपेक्षा जय तुलसी फाउंडेशन से करता है वही अपेक्षा हम श्रावक समाज से करते हैं। परंतु जब मैं इसके अंदर तक गया मुझे बहुत वेदना हुई, मुझे बहुत दुख हुआ भाइयों, जब मैं एक एक गांव की यात्रा करते हुए एक एक परिवार में पहुंचा तो मेरे 13 पंथ श्रावकों की परिवार की स्थिति, उनकी दशा इतनी चिंताजनक कि मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। वो दुख इस बात का होता है भाइयों, जिस गांव में हम पहुंचे उस गांव के सभा को, वहां के पदाधिकारियों को यह मालूम नहीं है कि यह परिवार कहां पर है। सभी चाहते हैं कि सभी परिवारों को सभा भवन में बुला लिया जाए, यहीं आप उनकी देखरेख कर लीजिए, यहीं आप उनकी प्रेरणा कर लीजिए, यहीं उनकी सार संभाल कर लीजिए। नहीं, हम प्रत्येक घर में जाएंगे, हम अपने श्रावक से मिलेंगे। और जब हम उनके परिवारों में गए, एक गांव 38 परिवार सपोषण के हमारे पास रजिस्टर्ड है, 37 परिवार हमें वहां पर मिले, और 37 परिवारों की जो स्थिति, या तो अकेली माँ है, या अकेला बाप है, या ये विधवा एक बहन है 3-3 बच्चों के साथ भाइयों। और हम क्या कर रहे थे, हम 1700 रुपया या 2000 रुपया उनको प्रत्येक महीना भेजकर हम ये सोच रहे थे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमने इस पर बड़ा चिंतन किया, जो पूरे परिवारों की देखरेख करके हम बंगलोर में प्रथम कार्यकारिणी मीटिंग हुई, मैंने ये चीज, ये वर्तमान जो मैंने आंखों से देखा मेरे ट्रस्ट को बताया, और ट्रस्टियों के लिए मैं आज अभिवादन करता हूं। सचमुच में जय तुलसी फाउंडेशन जी वो ट्रस्टी है, स्वेदना से भरे हुए हैं एक एक व्यक्ति। आचार्य श्री तुलसी के वो 7 रत्न, श्री महेंद्र जी नाहटा,
सुरेंद्र जी दुगड़, सुरेंद्र जी बोथरा, चंपक भाई मेहता, जसकंड जी चोपड़ा, उलासन जी गोलसा, बन्ने चंद जी मालू, मैं उनको अभिनंदन करता हूं। आपकी सोच को आपने ये बात कही और उस मीटिंग में एक ऐसा नया ट्रस्टी श्री राकेश जी कटोतिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा नहीं, ये काम हमारा नहीं है। आचार्य परवर की जो सोच है, प्रत्येक श्रावक समाज को सक्षम बनाना है, उनको सबल बनाना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, न कि हम ये 1700 और 2000 रुपया देकर। और रिकॉर्ड जब मैंने बताया 15 साल से 97 परिवार को, 97 परिवार मेरे को ऐसे मिले जिनको 15 साल से हम ये पैसा भेज रहे हैं। बहुत अच्छे विचारों के साथ ये रखा गया कि हम इनको सक्षम कैसे बनाएं। श्री चंपक भाई और जसकंड जी चोपड़ा ने मुझे पूछा, आपको क्या क्या चीज वहां दिखा? मैंने कहा, मैं जब घरों में गया तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, शिक्षा के लिए उनके पास पैसे नहीं है, हाई सेकेंडरी तक कम से कम ये बीड़ा हमको उठाना चाहिए। मैंने कहा उनके पास लड़के और लड़कियां पढ़ी लिखी है, 47 लड़कियां मेरे को ऐसी मिली आचार्य परवर जो बीकॉम और कंप्यूटर में एक्सपर्ट थी, उनको हम अगर नौकरी लगा सकते हैं, ये काम रोजगार अगर उनको दे सकते हैं। और मुझे रोजगार की बात में एक ये बात याद आई, हम एक गांव में गए, एक हमारा भाई जिस घर में हम जा रहे थे वो एक ठेला लगाता था उस शहर में। जब हमने उसके देखे दो लड़कियां, मैंने पूछा आप क्या करते हैं? कि भाई जी वो ठेलो लगाऊं। कती कमाई हुए भाई जी? 4000-3000 रुपया मिले, और आपका 2700 रुपया आवे तो तू थारो घर चल जाए। सम्मान कोनी भाई जी, रुपया कोनी, थोड़ा रुपया आप गिरा दो तो मारो ठेलो भर जावे, 4000 स्कूल चौक में लागे। हमने इमीडिएटली उनको रुपया दिया सभा के अध्यक्ष को कि इनको सम्मान दिला दीजिए। और शाम को जब हम पूरे 38 परिवारों के पास उस चौक में पहुंचे, पूरा ठेला सामान से भरा हुआ था और बच्चों की लाइन लगी हुई थी। खुद्दार होते हैं गुरुदेव, ये परिवार खुद्दार होते हैं। आके उनकी लड़की क्या बोलती है, अंकल आपने जो ये पैसे दिए हैं ये हमें वापिस कब देने हैं? ओहो, कोई सोच सकता है? आत्मसम्मानित होते हैं वो, नहीं लेना चाहते। हमने बीड़ा उठाया और इस बीड़े के साथ हमने आगे बढ़ने की योजना बनाई। लड़के लड़कियां शादी के लायक है, साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। हमने हमारे एक ट्रस्टी है श्री नरपत जी चोरडिया, उनकी 3 लड़कियां हैं, और लड़की की बात आते ही वो इतने भावुक हो जाते हैं। मीटिंग में कह उठे, ये लड़कियां की शादी में 1 लाख को जो खर्चो लगे हीराला जी वो काम कराओ, कोई भी लड़की शादी वंचित नहीं रहे कि संसाधन के लिए। इतने में हमारे एक ट्रस्टी बोले, लड़का को क्यों छोड़ो पछे, जब लड़की को करो तो लड़का को भी कर दो, बेबी तो ये परिवार का ही है। और 1 लाख रुपया हम उनकी शादी में देते हैं, उनका परिचय सम्मेलन कराते हैं, उनका बायोडाटा लेते हैं और लड़कों का बायोडाटा लेके उनको नौकरी लगाते हैं। ये कार्यक्रम हमने आगे बढ़ाए। जैसे जैसे ये कार्यक्रम बढ़ते गए, संसाधन की कमी रहती है, संसाधन हमारे पास लिमिट है। संपादन से हमारे परिवार बढ़ते गए, क्योंकि परिवारों से हमारा संपर्क हुआ। आज 180 विधवाओं का डाटा है आचार्य परवर, 180 विधवाओं का डाटा है जिसके 5 या 10 साल के बच्चे हैं, और उस विधवाओं ने गजब कर दिया है, उन बहनों ने गजब कर दिया है। आज बताते हुए हर्ष होता है, 10 और 15 दुकानें उन्होंने चालू कर दी है। मुझे याद है, मैं फक्र से और अभिमान से कहता हूं, मेरी उस बहन बोरावड़ की जिसने फोन किया मेरे को कि भाई जी मैं काम करना चाहूं, मैंने सामान दिला दो। और जब किराना का सामान उसको दिलाने के लिए हमारे आदमी पहुंचे, हम 1 लाख रुपया का सामान दिलाते हैं, उस बहन ने कहा नहीं, एक बार मैं 60,000 का ही लूंगी। हम आश्चर्यचकित हो गए, हम 1 लाख का नहीं भाई जी, 60,000 का सामान लेके मैं काम करके फिर आपको दिखाऊंगी, फिर मैं 40,000 रुपया लूंगी। और एक बहन 5 साल का बच्चा, हार्ट में छेद है, विधवा है, के काम कर सको भाई थे, मैं पापड़ कर सकूं, पापड़ बेल सकूं, कत्तो कर सकूं 4 किलो,
हाथों हाथ हमारे वहां के जो ट्रस्टी है उनको मैंने निवेदन किया, 4 किलो पापड़ का आप इनको सामान दिला दीजिए। सामान दिलाया गया। आज 3.5 महीना हुआ है भाइयों, बताते हुए हर्ष होता है, वो बहन 16 किलो पापड़ बना रही है और 4 लड़कियों को अपने साथ रख रही है और 17,500 रुपया कमा के हमको बता रही है। मैं निवेदन कर रहा हूं, ये सब बातें मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं, मैं बताना एक ही चाहता हूं, देश भर में जहां भी तेरा पंथी भाई बहन है, हमने एक अर्हता बनाई है, एक क्राइटेरिया हमने फिक्स किया है, 10,000 रुपया महीना से जिस भी परिवार में इनकम कम है वो परिवार इस योजना के अंतर्गत आ सकता है। जागरूकता आपको करानी है, आपको अपने गांव में देखना है ऐसा कौन सा परिवार है। मैं यहां बोल रहा हूं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सारा देश इस बात को सुनेगा कि मैंने जो बात बोली है वो आराध्य के चरणों में बोली है, और जब यहां कोई बात बोली जाती है वो दूर तक जाती है और उसका विशेष एक फर्क पड़ता है। हाथ जोड़ के बोलता हूं, सब आइए, सब इस महायज्ञ में सम्मिलित होइए। हम विश्वास दिलाते हैं, हमारे ट्रस्टी विश्वास दिलाते हैं आपको, हमारा पूरा जय तुलसी फाउंडेशन परिवार आपको विश्वास दिलाता है कि जो समर्थ योजना, जो सक्षम योजना हमने हाथ में ली है, हम चाहते हैं 400 परिवार अभी हमारे पास रजिस्टर है, 400 परिवार में इस वर्ष हमने टारगेट लिया है कि 100 परिवार को हम सक्षम करके छोड़ेंगे। और हमारा एक दिन गुरुदेव के आशीर्वाद से सपना है, गुरुदेव कोई भी तेरा पंथ का परिवार वंचित नहीं रहे, कोई भी इस चीज में नहीं रहे। संसाधनों की बात आती है आचार्य परवर, हम आगे बढ़े, हमारे पास एक सीमित हमारा फंड था, समाज में इस काम को हमने बताया और बड़े संवेदनशील होते हैं हमारे श्रावक, तेरा पंथ श्रावक जैसा श्रावक गुरुदेव देखने को नहीं मिलता है। उसको हम मांगने के लिए नहीं गए, उनको अजीज और निवेदन नहीं किया, हमने खाली ये बताया कि तुम्हारे गांव में ऐसे परिवार है जो इस हालत में है, हमारे गांव में, और हद हो गई। तब एक परिवार को हमने रोजगार कराया और हमारा एक ट्रस्टी, उसका चाचा था, अरे भाई डोटा देखने वाले वो तो मेरा भतीजो है। शर्म से हम कभी कभी इतने झुक जाते हैं। एक रायगंज एरिया है बाप जी, वहां से अचानक फोन आया कि अर्जेंट ऑपरेशन होना है, कलकत्ता भेज रहे हैं। मैंने इमीडिएटली हमारे सुरेंद्र जी दुगड़ जो कलकत्ता में हमारे प्रधान न्यासी, मतलब आज भी प्रधान न्यासी वही है, मैं नहीं हूं, मतलब इतना काम करते हैं, 10 मिनट भी देरी नहीं करते हैं, अप्लीकेशन वहां पहुंचती है, वहां से संसाधन आरटीजीएस हो जाती है, आरटीजीएस हो गया हॉस्पिटल में, ऑपरेशन हो गया, वो गांव में पहुंच गया, जब टांका खुलाने के लिए फिर आया तो फोन करियो, हीरालाल जी भगवान वाली जी हेल्प होगी, मारी जान बच गई, मैं आचार्य परवर का दर्शन करने जा रहा हूं, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा, पर मैं थाने आज एक बात बताऊं, मैं कौन हूं वो थे को नहीं जानू, मैं रायगंज में रहू हूं, मैं थाने जान तो भाई जी, पर मैं थाने को नहीं बतायो मैं कौन हूं, मैं थारे सगे बाबूजी को लड़को हूं। हद हो गई गुरुदेव, हद हो गई, मारे परिवार के बाबूजी को लड़को, की करियो आप जीवन में, आप 500 करोड़ 1,000 करोड़ का आदमी हो गया और आपने परिवार को एक व्यक्ति जीवन यापन को नहीं कर सके, छोड़ दो सब बात, बड़ी बड़ी बातें छोड़ दो, ये धारा में लेकर आ जाओ बाने, जगके दिन तेरा पंथ को एक श्रावक धारा में आ जैसी, सचमुच में करण कृपालु है, करुणा का सागर है, आने जद बताऊं ना आंखें में आंसू आ जावे, सुन कौन सके, मैं बताऊं को नहीं, मैं एक साल हूं बाप जी थाना बहुत कम बताया हूं, मैं बहुत कम आ रही हूं अठे, कि मारे गुरु ने ऐसा था हुआ है, मारो गुरु को नहीं सुन सके आ चीज, अरे मैं की काम तो करूं, अभी तो कोई काम ही को नहीं है, खाली बस घूम रहा बात कर रहा। भाइयों मिलिया ये समाज में कमी को नहीं, ऐसा ऐसा व्यक्ति मिला है, चला कर आया है बाप जी, यहां का लड़का मिले है, आज थाने बताता हूं, गर्व हुए हैं 50 साल नीचे 5 पेटर्न ट्रस्टी बने है बाप जी, 5 पेटर्न ट्रस्टी यंग लड़का, अरे 70-80 साल होगी ऊपर जानो है कि कोनी लेके जा सका, सगड़ा ना मालूम है, रोज कहानी करा आप, आया खाली हाथ जावांगा खाली हाथ,
ये 70-80 आला का को नहीं समझ रहा बाप जी, ये 50 साल का बच्चा, 5 बच्चा सूर्य प्रकाश श्याम सुखा आके गंगा शहर में आचार्य श्री तुलसी के समाधि पर 1 करोड़ रुपया दे देवे, जानू को नहीं मिने, खाली चीज ने महसूस करे विमल कटारिया अपने अखिल भारतीय को महामंत्री है। अरे मैं क्यों तीन बहुत काम करना, 1000 रुपया कौन नहीं उतार पा भाई जी, ये काम अगर वंचित रह जाऊं तो वंचित रह जाए। मेघराज धाकड़ मालू जी को लड़को, बाप जी मूलचंद जी मालू को लड़को विकास, दिल्ली में मीटिंग चल रही थी, 1 करोड़ को ट्रस्टी बने है, बनता ही सक्षम योजना की बात आ गई कि वो काम महेंद्र जी नाटा बोले वो काम पहले करना है, इसके लिए एक अलग फंड बनाओ सक्षम योजना के लिए अलग बनाओ कि वो जो फंड है खाली ब्याज में चले जावे, वो है जो का पूरा ही काम में खर्चा होना है। और महेंद्र जी नाटा कहता ही 1 करोड़ घोषित करता ही 50 लाख सक्षम योजना के लिए, और आंख्या में जो चमक है, जो भी तड़प है, जकी ललक है, मैं देख के दंग रह गयो कि यहां यू काम है ललक, बोल कौन सा काम था। ये वास्ते आज अठू मैं आपने निवेदन कर रहा हूं, श्रावक समाज संसाधन की कोई कमी को नहीं है, जकारी भाई उदय वेड़ा रहे ना कर्म वो अपने आप देवे, यूं बड़ो पुण्य को कोई काम को नहीं हुए, परंतु आपका परिवार में, आपके आसपास, आपके शहर में, आपके गांव में अगर कोई भाई इश्यो दिखे फोन करो, मारो फोन पूरे इंडिया में अवेलेबल है, 24/7 खुल्लो है, फोन करो मैं अटेंड करूं, मैं बात करूं सगड़ा। और भाई भाई जी अबार अठा आ रहे हो, आपकी कितनी बड़ी पुण्य है, मतलब मार पर कृपा देखो तो, जय तुलसी पर कृपा आपकी, अठा आ रहे हो तो एक श्रावक मेरे सागे जा रहे हो तो जाता जाता ये बातें भी ने पूरी बताई, कोई विचार को नहीं हो बिना बात करना को बताता ही वो श्रावक हीरालाल जी यूं बढ़िया तो काम को नहीं कोई, मैं रो ट्रस्टी बनना चाहूं, सुवेदनाओं भरेड़ो है, दिलू बोल रहे बात, मैं बोलिया ट्रस्टी बना बाप जी रोकड़ा बहुत बड़ा है, 1 करोड़ रुपया एक पेटर्न ट्रस्टी को है, गुरुदेव मतलब वो परिवार की को नहीं करियो, 1 करोड़ को चेक, एक ही चेक, 1 करोड़ को एक ही चेक, मतलब इंस्टॉलमेंट में नहीं, धर्म को काम है बोल दिया तो दे देना, बाणा नहीं करना धर्म का काम में देना के बाद में, आप बाद में देवांगा, बिजनेस खराब हो गया हीरालाल जी, मैं बटे चले हो गया हीरालाल जी, मारो लड़को मना कर दिया हीरालाल जी, अरे छोड़ो माइता भाव थारा चौका बने, थारा कोई अच्छा उदय का कर्म कर रहे हाथों हाथ दे देना, मैं चाहूं बिसराव के श्री पन्नालाल जी भेद और सौभाग्य भाई आप गुरुदेव का दर्शन करो, मैं आपने निवेदन करूं, क्योंकि यहां अगला चक्का श्रावक मिलिया है मने। और बाप जी मैं 2 आदमी को उल्लेख करूंगा आपके सामने, 2 आदमी को खाली उल्लेख करके मैं, एक तो राकेश जी कठोतिया और एक महेंद्र जी नाटा, समाज का रत्न है, हीरा है, खुल्लो कर दिया आप खजानो मेरे लिए, ई काम में बाकी मत रिया। और अंत में गुरुदेव 2 व्यक्तियां मैं बहुत सीख ली, महासभा का अध्यक्ष बनाए हो आप, मैंने कृपा करी, बहुत अज्ञानी छोटो सो बच्चो हो, परंतु ये 2 व्यक्ति समाज का यहां अगला व्यक्ति है, मैं सबने आपने कहूं चका भी पदाधिकारी बनो थे केंद्रीय संस्था का अंग ने 10 मिनट जरूर बैठा करो, ये समाज में थाने इसी सीख देवागा, संघ के बारे में इसी बात बतावागा, थारे मन में श्रद्धा पुष्ट होगी, संघपति के लिए थे मरना चल जाएगा। वे 2 व्यक्ति को नाम ही मंचू ले रहे हूं गुरुदेव आपके सान्य में, श्री सुमति चंद जी गोठी, मैं गयो तकलीफ में भी आदमी के चला के 5 मिनट के मैंने वो शिक्षा दी, के मेरे में ताकत दी। और एक कन्हैयालाल जी पटावरी दिल्ली आड़ा, बाप जी जब थे जाओ खाली संघ की बात, और तू पुष्ट कर दे माने तो मैं हरेक पदाधिकारी ने निवेदन करूं, आप 5 मिनट 10 मिनट जब भी थाने कोई बात करनी हुए, यहां अंकला सराव क्या आपने समाज में आंकने जाया करो, 5 मिनट बैठा करो, मैं गुरुदेव कृतज्ञता ज्ञापित करूं, काम पूरा हुए को नहीं, काम बहुत अधूरो है, बहुत बाकी है, माने कुछ शक्ति दियो गुरुदेव, कुछ माँ के अंदर ईसिया बीज उत्प्रुत करो, एक दिन अटे खड़े होके मैं बोलूं, एक भी परिवार बाकी को नहीं गुरुदेव, यहां अंकलो जक्के दिन बोलूं 20 दिन है मैं अठे आके कुछ बोलने लायक हूं, आप बहुत बड़ी कृपा करी कि आप मैंने मौको दियो, क्यों मैं कठे जावा, मैं कठे बोला, मारे जय तुलसी फाउंडेशन की कोई कार्यकारिणी को नहीं, कोई संस्था को नहीं, माने कोई टाइम को नहीं, थे बड़ी कृपा कराई कि मैं थे, माने अठे बोलने बोलिया कि मैं आसरा को बात कर सक्या, मैं आपको उपकार वो जिंदगी भर को नहीं भूल सकूं। पन्नालाल सर भाई आप सभी से इस संबंध में सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है,
फाउंडेशन को आप निम्न प्रकार से अनुदान प्रेषित कर सकते हैं। संपोषण सहायता, प्रति परिवार के एक वर्ष के संपोषण के लिए 21,000 रुपए, आजीवन संपोषण प्रति परिवार 2,21,000 रुपए, उच्च शिक्षा सहायता, प्रति विद्यार्थी एक वर्ष की शिक्षा हेतु 1,00,000 रुपए, सघन चिकित्सा सहायता, प्रति परिवार 1,00,000 रुपए की अनुदान राशि प्रेषित कर सकते हैं। आपका सहयोग किसी असमर्थ व्यक्ति व परिवार की जिंदगी के अभाव को दूर कर सकता है। आपका सहयोग किसी जरूरतमंद मेधावी विद्यार्थी की उच्च शिक्षा में निमित्त बन सकता है। आपका सहयोग किसी रुग्ण व्यक्ति की निस्तेज काया में चेतना का प्राण फूंक सकता है। जय तुलसी फाउंडेशन में सदस्यता का प्रावधान। 1 करोड़ या उससे अधिक की राशि का प्रदाता होगा संरक्षक सदस्य एवं जीवन्यासी। 50,00,000 या उससे अधिक परंतु 1 करोड़ से कम की राशि का प्रदाता होगा डोनर मेंबर एवं न्यासी। इस श्रेणी में 6 न्यासी चुने जा सकने का प्रावधान है। 11,00,000 रुपए या उससे अधिक परंतु 50,00,000 से कम राशि का प्रदाता होगा साधारण सदस्य। इस श्रेणी में 4 न्यासी चुने जा सकने का प्रावधान है। जय तुलसी फाउंडेशन संपूर्ण समाज का है, किसी एक संस्था का नहीं है, किसी एक क्षेत्र का नहीं है। इसे सुदृढ़ बनाने में सभी संस्थाओं एवं सभी श्रावकों का सहयोग अपेक्षित ही नहीं अति आवश्यक है। आप सभी ये प्रण लेकर इस पुनीत कार्य में सहयोगी बने। कृपया आप अपनी सहायता राशि जय तुलसी फाउंडेशन के नाम से चेक, ड्राफ्ट एवं कैश से कोलकाता, दिल्ली एवं लाडनू किसी भी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। फाउंडेशन को दिए जाने वाले अनुदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत छूट का प्रावधान है। वर्तमान में परम पूज्य आचार्य श्री महाशर्मण जी की निर्मल सोच, अध्यात्म परक चिंतन, अप्रमत्त साधना एवं सतत श्रम हम सब के लिए आदर्श हैं। सद्भाग्य से संघ का नेतृत्व आप श्री के कुशल हाथों में है और आप धर्म संघ के सर्वांगीण उन्नयन के लिए उत्कंठित हैं। तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति, हाँ तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति, हर पल मंगलमय हो, महाश्रमण की जय हो, महाश्रमण की जय हो। तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति, हर पल मंगलमय।